दो नंबर कम रह गए। पिछले एक साल से इसी पंखे के चक्कर के नीचे बैठा बैठा रात को 2 बजे तक पढ़ता रहता था। जिनके अच्छे मार्क्स आए और जिनका सिलेक्शन हो गया उनके घर तो खुशियां मन रही होगी ना। मुझे इतने सपने नहीं देखने चाहिए थे यार, पर इससे ज्यादा और मेहनत भी तो क्या करता। खाना पीना भी टाइम पर नहीं कर पाता था। एग्जाम के पहले के 1 महीने में तो दोस्त, पार्टी, घूमना फिरना, व्हाट्सएप, फेसबुक, बाइक, गेम्स, सबको अलविदा बोल दिया था। दोस्त मजे में मौज मस्ती करते रहते थे, मेरा ये मौज मस्ती का टाइम भी गया। दोस्तों को मेरे बाद और नए दोस्त भी मिल गए और साले मेरे मार्क्स भी कम पड़ गए। अब फिर ना जाने कितना वेट करना पड़ेगा। फिर से वही बोरिंग किताबें, वही नींद की कुर्बानी, वही घर, दुनिया, दोस्तों के ताने। कैसे जीऊंगा मैं, कैसे? क्या यार, तू भी ऐसा सोचता है क्या? याद कर वो दिन जब तूने बड़े जोश के साथ टाइम टेबल बनाया था। तब तेरे अंदर जोश था, प्लान था, टारगेट था, किताबें थी, घर वाले थे, मोबाइल था, अच्छे दोस्त थे। पर तुझे इन सब से क्या मिला? रह गए ना 2 नंबर कम। तेरे पास सब कुछ था उस वक्त, लेकिन जो चीजें तेरे पास उस वक्त नहीं थी तुझे जस्ट अभी मिली है। वो है आग जिसमें तूने जलना शुरू कर दिया है, आंसू जिनमें तुझे बहना सीखना है, दिल में दर्द जिसका तुझे साथ निभाना है। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिना आग, आंसू और दर्द के कुछ नहीं मिलता, कम से कम इस दुनिया में तो कुछ नहीं। साले तू ना बहुत लकी है जिसे आग, आंसू और दर्द जैसे सच्चे दोस्त मिले हैं। हाथ मिला ले इनसे और सुन, ये गुमसुम बैठने का वक्त नहीं है। ऐसे मिलते हो क्या नए दोस्तों से? हाँ, और सुन यार, ये सही बात है कि फिर से घर, दुनिया और दोस्तों के ताने सुनने हैं, लेकिन यार तेरे अंदर अगर हार का दर्द है तो तेरे अंदर आग भी है, तो तू करना सबका मुकाबला, घबरा क्यों रहा है? तू कह रहा था ना कि तुझे इतने सपने नहीं देखने चाहिए, तो सुन, तू इतना बड़ा सपना देख और इतनी मेहनत कर कि उससे जो तुझे हासिल होना उसको सोच के तू तो क्या दुनिया वालों की आत्मा भी कांप जाए। तू सपने लेके चल आंखों में, लेकिन एक चालाक प्लानिंग और कड़ी मेहनत के साथ। अरे यार, टाइम लगता है हर चीज को पाने में। बड़े बड़े लोगों ने एक दिन में कुछ नहीं पाया, सालों लगे उनको। हमेशा हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे उन्होंने अपने काम से मतलब रखा है, तब जाकर आज वो लोग हमारी किताबों में जगह बना पाए। तो आज अगर तुम्हारे 2 नंबर कम रह गए तो कौन सा स्पेस शटल छूट गया जिसमें बैठकर तुम्हें आज ही चांद पर जाना था? अरे यार देखो, लोग ये बिल्कुल याद नहीं रखते कि तुम्हें कितना वक्त लगा अपनी मंजिल को पाने में। वो सिर्फ इतना याद रखते हैं कि उस बंदे में दम था, वो बहुत बार हारा दुनिया से लेकिन दिल से कभी नहीं हारा, और उसने लाख मुसीबतों के बावजूद अपनी मंजिल पाई। तो प्लीज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आज ये जो तुम 2 नंबर को लेके बैठे हो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं मानता हूं कि हर स्टूडेंट टॉप नहीं कर सकता और ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमें खुद को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को। लेकिन यार, अगर हर स्टूडेंट टॉप नहीं कर सकता तो फिर भी हर टॉप करने वाला स्टूडेंट सही प्लानिंग और मेहनत करके ही टॉप करता है। और वास्तव में बहुत कम लोग याद रखते हैं कि तुम्हारी 10वीं रैंक आई, तुम्हारी 50वीं रैंक आई। टाइम बीतने दो, उनको सिर्फ इतना याद रहेगा कि उस बंदे में दम था या उस बंदी में दम था, उसने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी हमेशा अपने पैरों पर खड़े होके जिए। तो अगर आज आप फेल होकर के कोने में बैठ जाओगे या रोने लगोगे या रास्ता बदल दोगे तो माँ बाप का दिल तो टूट ही जाएगा ना, और तुम्हें वक्त भी ज्यादा लगेगा अपनी मंजिल को पाने में। देखो यार, हमेशा कमी खुद की नहीं होती। कई बार जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ते हैं वो माहौल भी खराब होता है, उसका भी असर पड़ता है। और अगर माहौल ठीक था पढ़ाई करने का तो कोई बात नहीं, हम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम ढूंढ सकें कि कमी कहाँ रह गई। और अगर मेहनत अच्छी थी तो प्लानिंग में कुछ कमी रह गई होगी, उसकी वजह से हम असफल हो गए। और हमें इस असफलता को एक सीढ़ी बना करके यूज़ करना चाहिए। जितनी असफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ोगे उतनी ही ऊपर सफलता जाकर मिलेगी। तो उठो, प्लान करो, मेहनत करो और फिर देखना कैसे नहीं मिलती तुम्हारे सपनों की कार, तुम्हारे सपनों के शहर में घर, तुम्हारे सपनों की जिंदगी। ये क्या हुआ जो आज बादलों ने सूरज को घेर रखा है? ये क्या हुआ जो आज बादलों ने सूरज को घेर रखा है? सूरज की तो फितरत में ही है चमकना, फर्क बस यही है कि आज नहीं तो कल चमकेगा। जय हिंद। Thank you.
इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी स्टूडेंट तक पहुंचाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो YouTube के टॉपर्स विलेज चैनल को सब्सक्राइब करें।